तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास में एक हैंड ब्लेंडर है जो कि जाम होके बंद हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको चालू कर रहा हूँ तो यहाँ पे चालू नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप इसका नीचे वाला भाग देख सकते हैं कि इसको मैं यहाँ पे हाथ से घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं घूम रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से जाम हो चुका है। अब इस जाम को कैसे आपको सही करना है, कैसे इसको खोलना है, तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो हैंड ब्लेंडर है इसका जो ऊपर वाला जो ढक्कन है उसको चेक करना है कि कहीं वायर तो नहीं निकले। तो सबसे पहले आपको वायर चेक करने हैं, तो इसके लिए आप इसको खोल सकते हैं। और इसके बाद यदि आप अपने जाम को सही करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नीचे वाले दो स्क्रू है इसको खोलना है, और यहाँ पे रबड़ के जो गुटके वो यहाँ पे निकाल देने। उसके बाद वायर को निकालने के लिए यहाँ पे बटन के अंदर वायर लगे होते हैं, तो आप इसको टेस्टर की सहायता से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक वायर तो डायरेक्ट होगा और एक वायर बटन के अंदर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को निकाल दिया। अब यहाँ पे इस भाग को निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो ये आगे वाला भाग है उसको निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस पिन को निकालने के लिए आपको टेस्टर की सहायता से ऐसे धक्का देना है, फिर आप इसको निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो ये ऊपर वाला भाग है उसको निकालने के लिए आपको उल्टा घुमाना होता है, और उल्टा घुमाने के बाद ये जो है वो आसानी से निकल जाता है। अब इसके बाद इस रबड़ को निकाल के आपको इस प्लास्टिक के ढक्कन को निकाल देना है, और निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पूरी तरह से जाम, इसलिए क्योंकि इसके अंदर शायद पानी गया है, और पानी जाने से कहीं इसके जो वायर है वो भी टूटे, तो उसको भी सबसे पहले मैं सही करने वाला हूँ, उसके बाद जाम को सही करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको पूरी तरह से निकाल दिया है, और निकालने के बाद अब इसका जो आर्मेचर है इसको भी निकालूंगा। तो इससे पहले आपको इसके जो कार्बन है वो निकाल देने हैं, और कार्बन आपको ध्यान से रखने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी निकाल देता हूँ। तो निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो ये स्क्रू दिया हुआ है इसको यहाँ पे इस प्रकार से खोल देना है। खोलने के बाद यहाँ पे आप इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सल्ला मिलता है, उस चल्ले को निकाल देना है। उसके बाद आपको आर्मेचर को निकाल देना है, और कार्बन और चल्ले को ध्यान से आपको साइड में रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एक वायर है वो भी टूटा हुआ है, तो मैं इसको भी ज्वाइंट कर लेता हूँ, और ज्वाइंट करने के बाद मैं वापस इसको फिट करने वाला हूँ। इससे पहले आप इसके बूस और कार्बन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने नए वायर को लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे ऑयलिंग करके यहाँ पे इसको फिट कर लेता हूँ। तो जिस प्रकार से मैंने खोला था इसी प्रकार से इसको फिट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल भी लगा लिया, साथ में सबसे पहले सल्ले को यहाँ पे इसके अंदर रखता हूँ, और उसके बाद आर्मेचर को लगा के इसको सही से फिट कर लेता हूँ। और इसके बाद हमें यहाँ पे जो कार्बन है वो यहाँ पे लगा के चेक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कार्बन यदि ज़्यादा टाइट है तो आप इसको घिस सकते हैं, और घिसने के बाद इसके अंदर आराम से आए ऐसे आपको रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं आना चाहिए ये जो कार्बन है, इसके अंदर आराम से आए। और इसके बाद आप जो स्प्रिंग है वो इसके अंदर लगा के फिर आप इसको फिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो डंडी है वो यहाँ पे जाम है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दोनों साइड में ऑयल दे देता हूँ, और उसके बाद इसको आगे पीछे करता हूँ जिससे कि ये फ्री हो जाता है। अब यदि ये फ्री हो जाता है तो फिर आप इसको वापस उसी प्रकार से फिट कर सकते हैं जिस प्रकार से आपने खोला था। यहाँ पे साइड में दो स्क्रू दिए होते हैं, इसको आपको फिट करना होता है, फिर आप इसको डायरेक्ट भी चला के चेक कर सकते हैं। मैंने इसको चेक किया, ये सही है। तो यहाँ पे इसका जो गुटका है वो लगा के इस प्लास्टिक के ढक्कन को यहाँ पे मैं फिट कर लेता हूँ, और फिट करने के बाद यहाँ पे हमें ये जो आगे वाला भाग है इसका जो गुटका है इसको भी हमें इस प्रकार से लगा लेना है। और लगाने के बाद आपको सबसे पहले आपके पास इसकी मोटर, इसके दो वायर होते हैं, तो एक वायर को आपको बटन के अंदर लगा लेना है, और एक वायर आपको डायरेक्ट जो आपके पास जो फेज आ रहा है उसका जो वायर है उसके साथ लगा लेना है। उसके बाद रिंग वगैरह लगा के आपको इन स्क्रू को फिट कर लेना है, और फिट करने के बाद यहाँ पे आप अपने वायर को इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर वाला भी ढक्कन लगा लेना है, और उसके बाद आपको इसको भी सीधा घुमा के फिट करके यहाँ पे आपको इस क्लिप को भी लगा लेना है। तो अब यहाँ पे हमारा जो हैंड ब्लेंडर वो तैयार हो चुका है, फिर आप इसको चलाकर देख सकते हैं कि ये अब सही से चलने लगेगा। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।